अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम इंस्पिरेशन बाय रमीज़ा एंड दिस इज़ योर होस्ट रमीज़ा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी रमज़ान जैसे जैसे करीब आ रहा है तो हम लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करें और कुछ ना कुछ नया इस रमज़ान में हम बनाएं अपने घर वालों के लिए। तो जी मैंने भी कुछ ऐसी सोचा और मैंने सोचा कि आज मुझे एक्चुअली पर्सनली टर्किश फूड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। टर्किश फूड हो गया और आज़रबाइजान की कोई डिश हो गई। सो आई एम जस्ट ट्राइंग अ रेसिपी जिसमें मैंने जो है वो टर्किश और आज़रबाइजान को मिला दिया है। ओके दोनों की जो रेसिपी है उसको मैंने मिलाकर एक न्यू रेसिपी डिस्कवर की है। सो आई होप आपको पसंद आएगी। बड़ी ही सिंपल रेसिपी है और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म से बनने वाली है और आपके घर वालों को तो बहुत ही मज़े आने वाले हैं वो खाकर, बिकॉज के बहुत ही सिंपल है, कम टाइम में बनने वाली है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और दूसरी बात है कि जैसे टर्किश फूड की अगर हम बात कर लें तो टर्किश फूड जो है वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, जिस तरह एशियन फूड जो है लाइक पाकिस्तानी, इंडियन और इस तरह के जो फूड्स, बहुत ज़्यादा डिशेस जो है वो वायरल हुई भी होती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, इसी तरह से जो टर्किश फूड है उसके लिए भी लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम टर्किश फूड जो है वो बनाएं। तो जी आप उनको देख सकते हैं कि उनके खानों में किस कदर खूबसूरत रंग होते हैं, कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन होती है उनकी। हर खातून जो है घर के अंदर अपनी वो सारी ट्रेडिशनल जो डिशेस होती हैं वो घर पे बनाती हैं। तो हमें भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो है वो रेसिपीज़ लेनी चाहिए और डिशेस को ट्राई करना चाहिए घर पर। कभी कभार हम बोर हो जाते हैं अपनी ही बिरयानी, कोरमा और सलाद इस तरह की चीज़ें खा खा के, तो हमें वैरायटी लानी चाहिए अपने घर वालों के लिए। तो इस रमज़ान जो है वो नई नई वैरायटी को ट्राई करते हैं, मैं भी और भी साथ मिलकर ट्राई करते हैं। तो जी आज से स्टार्ट करेंगे। अब जो भी न्यू रेसिपीज़ आएंगी मेरे पास इंशाल्लाह मैं उसको ट्राई करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ मेरी अपनी होंगी और कुछ मैंने लोगों से इंस्पायर होकर जो है वो उसको बनाया हुआ होगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो है वो रेसिपीज़ मेरी आने वाली वीडियोज़ में जो है वो नज़र आती रहेंगी और बड़ी क्विक वाली लेकर आऊँगी ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फिर आप उसको रमज़ान में भी बना सकते हैं और रमज़ान के अलावा जो है आप उसको डेली रूटीन में भी स्नैक्स के साथ आप बना सकते हैं। तो आज की जो रेसिपी है ना वो तो बहुत मज़ेदार होने वाली है। मेरे मुंह में अभी तक पानी आ रहा है, लेकिन मेरे जो घर वाले हैं उनको बहुत पसंद आया, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्लाउड नान की तरह दिखती है लेकिन है नहीं, अंदर से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देने वाली है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं इसकी रेसिपी देखते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जल्दी से मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको जो है वो वीडियोज़ देखना कैसी लग रही हैं। और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो आपके पास पहुंच जाया करें, जो मेरी वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंच जाया करें। तो चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो। टर्किश चिकन नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कीमा जो कि है चिकन का 1/2 kg, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 teaspoon नमक और 1/2 teaspoon से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो लाल मिर्च रखनी है। इसके बाद इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon। आप अकॉर्डिंग टू योर स्पाइस कि आपको कितना पसंद है आप उतने उसके हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जो कि 1/2 teaspoon से भी कम है। क्रश्ड रेड चिली इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 teaspoon। और उसके बाद इसमें रोज़मेरी मैं ऐड कर रही हूँ। रोज़मेरी की खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर आती है, टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 teaspoon। इसके बाद जो फेंट के रखा हुआ था दही वो मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स अभी जाएंगी जब तक हमने इसको मैरिनेट करना है, और चीज़ें इसमें कोई भी ऐड नहीं करनी है। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें जो है वो ब्लैक पेपर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा अगर चाहें तो आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है तो खाया नहीं जाता, लेकिन अगर आप स्पाइसी बना रहे हो तो अकॉर्डिंग टू योर विश आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर, और अब हम चलेंगे इसका जो हमने आटा गूंदना है यानी कि इसके ऊपर की जो कवरिंग है सारी उसको करने के लिए। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 कप जो है वो मैदा ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध जो कि मैं टेट्रा पैक का ही यूज़ कर रही हूँ, तो 1 कप जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। और इसके बाद इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन 4 से 6 खाने के चम्मच। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा इसका जो ऊपर की कवरिंग है सारी।
इसके बाद इसमें दही ऐड करना है फटा हुआ, तकरीबन 4 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, और जनाब इसमें यीस्ट ऐड करना है तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें बेकिंग पाउडर भी मैंने ऐड किया था जो कि मैं यहाँ दिखाना भूल गई हूँ, तो इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, यानी कि 1/4 जो है वो आपने इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो थोड़ा सा ऐड कर देना है। बस दैट्स इट। अब इसको हमने गूंदना है, और जहाँ जहाँ हमें पानी की ज़रूरत पड़े हमें वहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें दूध भी ऐड है और दही भी ऐड है, तो बहुत अच्छे से ये गूंद जाएगा। इसको गूंद देने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर से तेल की मदद से टैप करेंगे, और इसको जो है वो ढककर रख देंगे। अब जनाब हम चलेंगे अपने चिकन की पकाने की तरफ। तो फ्राइंग पैन हमने ले लिया है, और फ्राइंग पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा तेल ऐड करने के बाद इसमें चिकन जो है वो हम ऐड करते रहेंगे, और जल्दी जल्दी इसको जो है बनाना शुरू करेंगे। और ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में आप देखिएगा कि बन भी जाएगा ये, क्योंकि वैसे ही चिकन जल्दी गल जाता है, और चिकन का कीमा हो तो वो और भी जल्दी गल जाता है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो बीफ के कीमे में भी बना सकते हैं, उसका भी टेस्ट ज़रा स्लाइटली डिफरेंट आएगा। चिकन का स्लाइटली डिफरेंट होता है, और बीफ का जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके बाद जब ये पक जाएगा अच्छे तरीके से, तो हमने कैप्सिकम, एक दरमियाने साइज़ की जो कैप्सिकम है वो हमने इसमें ऐड करनी है, और साथ में ओरिगानो इस पॉइंट पे ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू जो है वो ज़बरदस्त किस्म की उठना शुरू हो जाए। तो जी, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है ओरिगानो थोड़ा सा। अब हम इसको ढक के सिर्फ 2-4 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो कैप्सिकम है ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, और ओरिगानो का जो टेस्ट है और जो उसकी खुशबू है वो अच्छी तरीके से उठना शुरू हो जाए। तो जी, दूसरी तरफ जो है हम ये करेंगे कि मोज़रेला चीज़ या फिर चेडर चीज़। वैसे मोज़रेला चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो जैसे हम पिज़्ज़ा में डालते हैं वैसा वाला टेस्ट आ जाता है। तो हमने मोज़रेला चीज़ जो वो क्रश करके एक तरफ रख ली है। अब हम चलेंगे डो की बनाने की तरफ। डो को अच्छे तरीके से पहले जो है वो आप एक जगह पर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको अच्छे तरीके से हाथ से गूंद लें। जब अच्छे तरीके से गूंद जाएगा तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। जब हम खाएँगे इसको बनाने के बाद तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो अच्छे तरीके से इसको गूंद लीजिए। उसके बाद इसको 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 4 नान जो है वो इससे बन जाएंगे हमारे। अच्छा जी, अब इसको 4 हिस्सों में करने के बाद इसको पेड़े बनाना है। मैं इसके पेड़े आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर बन जाएंगे पेड़े, और अब हम इसकी रोटी बनाना शुरू करेंगे। अब रोटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो है वो इसको स्क्वायर शेप देना चाहें, आप इसको सर्कल शेप देना चाहें, आप इसको किसी भी शेप में बनाना चाहें, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये बिल्कुल बन जाएगी। यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़े से नान की शक्ल, या यूँ कह लेंगे जैसे चिकन के समोसे बड़े साइज़ के बनते हैं, उस शक्ल में मैंने इसको बनाया है, जैसे टर्किश लोग बनाते हैं, मैंने उसी शक्ल में इसको दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं एक स्लाइस चीज़ का, और उसके ऊपर जो ये चिकन और ये बैटर था पूरा, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे तरीके से भरेंगे, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर फुल जो है इसकी कवरेज आ जानी चाहिए। तो ये ऐड कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया। यहाँ सारी फिलिंग जो है वो इसकी मैं कर रही हूँ। इसके ऊपर अच्छे तरीके से बिछा लेने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट, फ्रेश टेस्ट आ जाएगा, वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और उसके बाद जनाब इसमें ऐड करेंगे हम चीज़ खूब सारी भर के। आपको जितनी पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये तो खूब सारी चीज़ इसके अंदर डालनी है, बहुत ही यमी और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट और शक्ल निकल के आएगी इसकी। तो इसको अच्छे तरीके से डाल देने के बाद अब हम इसको करेंगे फोल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट। एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ तक लेके जाना है, और इसको अच्छे तरीके से फिंगर की मदद से इसको प्रेस करते जाना है ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। अच्छा, अगर इसमें कहीं से भी एयर आ रही हो तो आप एक टूथपिक ऐड कर अंदर प्रिक कर देंगे, तो उसकी मदद से इसकी एयर बाहर निकल जाएगी। अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है, और इसको अपनी जो ट्रे होगी हमारी, जो बेकिंग ट्रे है, हमने उसमें रख देना है इसको। इसी तरह करके हमने जो अपने बाकी पीसेज हैं वो भी तैयार कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 पीस तैयार किए थे। अब जनाब इसके ऊपर जो है मैं एक जर्दी जो है अंडे की वो फेंट कर और उसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा दूंगी। अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाना है।
अब हम इसके ऊपर कलौंजी के जो बीज होते हैं वो सारे कलौंजी जो है वो हम इसके ऊपर डालना शुरू करेंगे। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी बनेगा ये, और देखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये डाल देने के बाद जनाब हमारी जो डिश है वो रेडी है टू बेक। इस पर हमने थोड़ा सा धनिया ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और अब ये ट्रे जा रही है बेकिंग के लिए। तो जनाब बेक कर देंगे और तकरीबन 15 से 18 मिनट इसको लगे थे, ये फटाफट तैयार हो गई थी। आपने इसके बीच बीच में चेक करते रहना है। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस है, घर वालों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जी जनाब, तो वीडियो आपने देखी, आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी और बड़ी ही झटपट और ज़बरदस्त बनने वाली है। और क्या खुशबुएं घर के अंदर आ रही थी, ख़तरनाक और कातिलाना किस्म की। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि अपना फ़ीडबैक देना है कि अगर किसी ने ट्राई की तो मुझे आप उसके पिक्चर भी भेज सकते हैं। मैं उस पिक्चर को इंस्टाग्राम पे भी लगाऊंगी और आप लोगों को टैग भी करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। और आने वाली वीडियोज़ के लिए कोई और आपके पास सजेशन हो या आप कुछ और देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक एज़ वेल। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।